सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, आई एम रोहित फ्रॉम मार्जिन ट्रेडर्स। सो गाइज, मैं बात करने वाला हूँ भारतीय एयरटेल के बारे में। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि ये नीचे की ओर जाने वाला है, और कई इसमें हमें दोनों तरफ के हमें जाता हुआ दिख रहा था। तो अप साइड मैंने बोला था या डाउन साइड ही जा सकता था, मैंने बोला था कि क्योंकि इसमें माइल सा हमें ब्रेकआउट मिला था, बट इसमें कुछ अलग हुआ। और जैसा हमने पैटर्न बनाया था, उस पैटर्न को हमने हटाया भी नहीं है। तो देखेंगे उस पैटर्न के हिसाब से हमारा जो टारगेट है अचीव हुआ या नहीं। तो उससे पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर शेयर्स की लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने पैटर्न में कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, जैसे हमने कल वीडियो बनाया था वैसा ही पैटर्न है। और मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने कल क्या बोला था, तो मैं इसे हटा देता हूँ, इसे मैं फिर से समझाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हो कि जो भारतीय एयरटेल है इसमें बन रहा था राइजिंग वेज पैटर्न। तो राइजिंग वेज के हिसाब से मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर हमें यहाँ से उठता हुआ दिख सकता है, कहाँ पर, यहाँ से हमें या तो नीचे की ओर जाता हुआ दिख सकता है या ऊपर की ओर उठता हुआ दिख सकता है। तो मैंने लेवल क्यों बताया, ये लेवल मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर लॉजिक, सीधा सा लॉजिक ये है क्योंकि यहाँ पर इसने, यहाँ से इसे ये नीचे आया, फिर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था। कहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हम इसे कह सकते हैं, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर वहीं पर ऊपर की ओर इसे रिजेक्शन दिया इस ट्रेड लाइन पर। इस पर इसने रिजेक्शन दिया, फिर यहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया नीचे आकर, और फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो आप देख सकते हो एक दो तीन चार, तो चार जगह पर इसने सपोर्ट लिया है। तो सपोर्ट में मैं ऐसा मेरा मानना था, मेरा ओपिनियन ये था कि कितनी बार इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया नीचे की ओर पर ब्रेकआउट नहीं दिया, और इससे रिजेक्शन कितनी बार मिला, तीन बार भी नहीं था, दो ही बार था। और आज इसे फिर से उसी लेवल पे इसे रिजेक्शन मिलता हुआ दिख रहा है, देखेंगे क्या होता है। बट फिर से यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ से सीधा बूम, यहाँ से सीधा ऊपर की ओर जाता हुआ दिख सकता है। तो हो सकता है कि यह यही से ब्रेकआउट दे दे और रिटेस्ट करके अच्छा ऊपर की ओर चले जाए मंडे के दिन। कंफर्म तो है नहीं, बट ये जा सकता है अगर ये फिर से उसी जो अभी जो ये मोमेंट बता रहा है, अब जैसा ये चल रहा है, अब जैसा ये मोमेंट बता रहा है, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो इसे मैं थोड़ा सा ट्रेड लाइन को थोड़ी सी लंबी कर देता हूँ, थोड़ा सा हम इसे लंबा कर देते हैं तो आपको इजी तरीके से समझ सकता है। हाँ, तो इन लेवल्स को भी मैं हटा देता हूँ, चलो ठीक है छोड़ो। तो यहाँ से ये नीचे आया, ऊपर गया, रिजेक्शन मिला, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और फिर से नीचे आ सकता है, फिर ऊपर ये जा सकता है। तो कुछ इस प्रकार से इसमें पैटर्न बन सकता है, तो हमें वेट करना होगा। बट यहाँ पर अगर इसे रिजेक्शन मिलता है तो ये सीधा हाई राइज बना सकता है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर ये जा सकता है, अच्छा मोमेंट ऊपर की ओर बना सकता है, काफ़ी कुछ हमें रिटर्न कमा कर दे सकता है। सो गाइज, अभी भी आपको टाइम है, बट अभी आपको अगर बाय करना हो तो जो ऊपर का जो लेवल है, जो ए वाला लेवल है, इस पर ही बाय करना। इस ट्रेड लाइन को ये जैसे ही ब्रेकआउट करता है तभी इसे बाय करना, वरना बाय मत करना, अगर क्योंकि यहाँ पर सेफ सीधा है नीचे की ओर भी आ सकता है। तो रिटर्न की बात करते हैं, आज इसका करंट प्राइस चल रहा था 540 का, 540 पर इसने क्लोजिंग दी और 15 रुपये स्टॉक बढ़ा ऊपर की ओर, और 2.95% तक इसमें तेज़ी हमें देखने को मिली। अगर 5 दिन के टाइम फ्रेम की बात करूँ तो 4 रुपये स्टॉक में बढ़त हमें देखने को मिली, और 12 दिन में तो 12 रुपये बढ़ा है अपना, सॉरी एक महीने में 12 रुपये स्टॉक बढ़ा है। पर एक साल की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी कुछ स्टॉक नीचे गिरता हुआ दिख रहा है जिसकी ये रिकवरी कर सकता है। और बावनी के हाई की अगर बात करूँ तो देख सकते हो 623 का इसका हाई है, और मार्केट कैप की अगर बात करूँ तो 2.97 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो काफ़ी कुछ अच्छा मूवमेंट बन रहा है, काफ़ी कुछ शेयर अच्छा है, स्टॉक अच्छा है जो अच्छे रिटर्न आपको कमा कर दे सकता है। सो गाइस, वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।